सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुओ चेन ने वेदी के पास आकर डीमन एम्परर क्राउन को बाहर निकाल लिया था क्योंकि वो नई डीमन एम्परर बनना चाहती थी, पर ग्रेट एल्डर ने उसे मारने की काफी समय से ही प्लानिंग कर रखी थी, इसीलिए उसे फाइट करने लग गया था। लुओ चेन ने सेकंड एल्डर को मार दिया था पर वो कमजोर पड़ने लग गई थी। तभी श्वांग ने भी उसे घायल कर दिया था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पेरेंट्स को मोंक ने मारा था। जुयांग भी अब वहां गया था जिसने उस एम्परर क्राउन को नष्ट कर दिया और वो सभी लोगों पर प्रेशर डालकर उनसे पूछने लग गया था कि लिंगन टेंपल के लोगों को किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर अब हम देखते हैं कि डोंग क्यूई जुयांग से कहता है कि तुम्हारी मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो लिंगन टेंपल सिर्फ एक टूटा हुआ मंदिर था, अगर मैं उसे नष्ट भी कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने मेरे डेमोनिक क्राउन को नष्ट करने का साहस किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपने डेमोनिक ओरा को करने लगते हैं। उसने भी फालिन डीमन के क्रिस्टल को एजो किया था जिससे उसे काफी दर्द होता है, पर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही थी और पहले की तुलना में उसकी पावर दोगुनी हो गई थी। जुयांग उसे कहता है कि वो फालिन डीमन कहाँ है जिसने तुम्हारी पावर को बढ़ाया था। डोंग्यू कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अब मरने वाले हो। और वो अपने स्पीयर को बाहर निकाल कर जुयांग पर अटैक करता है जिससे काफी तेज एनर्जी निकलती है, पर वो जुयांग के एनर्जी बैरियर को भी तोड़ नहीं पाता। इसे डोंग्यू होता है, वो कहता है कि तुम आखिर कौन हो और तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। जुयांग अपना हाथ आगे करने लगता है जिससे डोंग्यू काफी डर जाता है और तेजी से पीछे जाने लगता है, पर जुयांग उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है और उसकी बॉडी में मौजूद डीमन क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जो फालिन डीमन के ही दिए हुए क्रिस्टल थे। डोंग्यू कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। एक डीमन कहता है कि आदमी काफी पावरफुल है, इसने हमारे ग्रेट एल्डर के डीमन क्रिस्टल को एक झटके में ही बाहर निकाल दिया। जुयांग कहता है अफसोस की बात है कि ये क्रिस्टल बेकार है और वो उन डीमन क्रिस्टल को तोड़ देता है। उन क्रिस्टल के खत्म होते ही डोंग क्यूई भी दस्ट बनकर खत्म हो जाता है। एक डीमन कहता है कि ग्रेट एल्डर लंबे समय से न्यू डीमन एम्परर बनने की प्लानिंग कर रहा था पर अब उसने सब कुछ खो दिया। लुओ चेन भी अपनी पावर से खुद को रिकवर कर लेती है और जुयांग को देखकर सोचती है कि आदमी काफी दबंग है पर ये कौन हो सकता है। जुयांग सभी डीमन से कहता है कि तुमने मेरे लिंगन टेंपल को नष्ट करने का साहस किया, तुम भी मरना डिजर्व करते हो। और वो सभी पर तेज प्रेशर डालने लगता है। वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पा रहा था और सभी नीचे गिर गए थे। अब वो पूरी जगह भी नष्ट होने लग गई थी। सभी डीमन माफी मांगने लगते हैं। लुओ चेन भी जुयांग से कहती है कि सीनियर हम पर रहम करो, लिंगन टेम्पल पर डोंग्यू ने अटैक किया था, हमारे डीमन रियल्म में इसकी कोई गलती नहीं है। वो उठने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठ पाती। जुयांग तभी लुओ चेन के हाथ में रिंग को देखकर रुक जाता है और अपने दबाव को बंद कर लेता है। वो अब लुओ चेन से पूछता है कि तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली। लुओ चेन बताती है कि ये रिंग मेरे डैड ने मुझे दी थी, जो ओल्ड डीमन एम्परर थे उन्होंने कहा था कि ये रिंग उन्हें एक फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट में मिली थी। दरअसल ओल्ड डीमन एम्परर और उसी अच्छे दोस्त थे और उसी ने ही ओल्ड डीमन एम्परर को ये रिंग दी थी और उन दोनों की फ्रेंडशिप की वजह से ही डीमन रियल्म में लिंगन टेम्पल पर अटैक करने की मनाही थी। भी उस रिंग को पहचान लेता है और जुयांग से कहता है कि मास्टर उसी के द्वारा बनाई हुई रिंग थी। जुयांग समझ जाता है कि वो फालन डीमन यही मौजूद है पर वो छिपा हुआ है। उसे वेदी के पीछे से काफी फियर्स डेमोनिक ओरा महसूस होता है। जुयांग कहता है कि जल्दी करो और बाहर आ जाओ पर वो बाहर नहीं आता। तो जुयांग अपने पैर को जमीन पर मारता है जिससे वो एनर्जी वेदी के पीछे दीवार पर जाकर लगती है जिससे वो जगह टूट जाती है और उस दीवार के पीछे से वो फालिन डीमन बाहर निकल आता है। वो काफी वक्त से उसी वॉल के पीछे छिपा हुआ था। फालिन डीमन कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या लोअर रियल में का कोई पेटिशनर मेरे ओरा को समझ सकता है। टिंगफेंग उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि काफी पावरफुल डीमन है और वो उसे लड़ने जाने लगता है, पर कोंगयान उसे रोक लेती है और कहती है कि उसकी बार काफी ज्यादा है, बेवकूफ तुम उससे लड़ नहीं सकते। हुईशिन उससे लड़ने जाने लगता है पर जुयांग उसे रोक लेता है तो वो पीछे हट जाता है। वहाँ मौजूद सभी डीमन भी काफी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि ये डीमन यहाँ कैसे आया और ये यहाँ कब से छिपा हुआ था। लुओ चेन भी उसे पूछती है कि तुम मेरे डीमन रियल्म में फॉरबिडन लैंड में क्यों छिपे हुए थे। फालिन डीमन कहता है कि किसने कहा कि ये तुम्हारा फॉरबिडन लैंड है, ये जगह मेरी है जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुनी थी और तुम सभी
लोग मेरे खाने के राशन की तरह हो जिससे मैं डेमोनिक एनर्जी को हासिल करता हूँ और लगता है कि आज मैं फिर से पार्टी कर पाऊंगा। जियांग उसे कहता है कि डोंकी और उसके साथियों के पास जो डीमन क्रिस्टल थे वो तुमने उन्हें दिए थे। अब वो थर्ड एल्डर को अपने पास ले आता है और उसे कहता है कि मैंने काफी समय तक तुम्हारी पावर को बढ़ाया है पर अब तुम मेरे भोजन बनने के योग्य हो। और उसे मारकर उसके अंदर मौजूद डेमोनिक क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जिसे वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी पावर देखकर बाकी डीमन डरने लगते हैं और कहते हैं कि आज हम सभी मरने वाले हैं। फाइलेंट डीमन कहता है कि इस थर्ड एल्डर की पावर काफी कमजोर थी, मैं गुमेंग और सीफू के जितना पावरफुल नहीं था जिसे मैंने पिछली बार मारा था और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था। यह सुनकर श्वांग को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने ही मेरे पेरेंट्स को मारा था क्योंकि गुमेंग और सीफू उसके मॉम डेड थे और उसे सालों से लगता था कि मॉन्क ने उसके पेरेंट्स को मारा था पर असलियत में फाइलेंट डीमन ने उन्हें मारा होता है जिससे वो काफी गुस्सा होती है और उस पर अटैक करने आती है। पर फाइलेंट डीमन उसे आसानी से रोक लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगा और उसे भी खत्म करके उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो कहता है कि एनर्जी अभी भी पर्याप्त नहीं है, मैं बहुत भूखा हूँ। अब वो सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने ऑरा को चारों तरफ फैलाता है पर उसका ऑरा जुयांग और उसके डिसिपल का कुछ नहीं बिगाड़ पाता क्योंकि उनके ऊपर जुयांग का एनर्जी बैरियर बना हुआ था। फाइलेंट डीमन सभी लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है और हंसता हुआ कहता है कि आज मैं अपनी पूरी ताकत को वापस पाने के बाद तियानलिन सेट के हुआ बुफान के साथ अपनी शिकायतों को निपटाने के लिए अपर वर्ल्ड में जाऊंगा। अगर उसने मुझे यहाँ नीचे नहीं फेंका होता तो आज तक मुझे इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता, मैं 10,000 सालों से ही फंसा हुआ हूँ। हुआ बुफान को इसकी सजा मिलेगी, सबसे पहले मैं उसके पैर तोड़ दूंगा और फिर वो मुझसे दया की भीख मांगेगा। जुयांग कहता कि क्या वाकई तुम ऐसा कर सकते हो और अपने ओरा से ही उस वाले नाट डीमन के दोनों पैरों को तोड़ देता है और एक तेज ब्लास्ट होता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। फाइलेंट डीमन को काफी दर्द होता है क्योंकि उसके दोनों पैर नष्ट हो चुके थे। वो जुयांग से कहता है कि तुम कौन हो भाई, कोई भी इंसान मुझे कैसे हरा सकता है, क्या तुम इमोर्टल हो? टिंगफेंग कहता है कि मेरे तियानलिन सेट के एंसेस्टर है। फाइलेंट डीमन चौंक जाता है और वापस से अपने पैरों को रिग्रो करने लगता है। जुयांग ये देखकर कहता है कैसा प्रतीत होता है कि तुम पुनर्जीवित होने में भी सक्षम हो, पर अगर तुम पूरी तरह से जल जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम दोबारा रिजनरेट हो सकते हो। और वो एक विशालकाय फायरबॉल को आसमान में एक्टिवेट कर देता है जिससे फाइलेंट डीमन भी डर जाता है और कहता है कि मुझे मत मारो, मैंने गलती की, मुझे डीमन डिसिपल को नहीं मारना चाहिए था। जुयांग कहता है कि मुझे डीमन डिसिपल से कोई मतलब नहीं है, तुमने मेरे तियानलिन सेट के लोगों को नाराज किया और जो भी मेरे लोगों को परेशान करता है वो मरने का हकदार है। और वो उस फायरबॉल को तेजी से नीचे लाने लगता है। उस फायरबॉल का दबाव इतना ज्यादा था कि आसमान की सभी चीजें टूट रही थी। लुओ चेन भी होश में आ जाती है, वो उस फायरबॉल को देखकर डर जाती है और कहती है कि इससे मेरा डीमन रियल्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और वो जुयांग से कहती है कि सीनियर प्लीज दयालु बने। तभी उसकी रिंग एक्टिवेट हो जाती है और उसके ओरा से लुओ चेन जुयांग के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है। जुयांग के वहां से जाने से वो फायरबॉल भी नष्ट हो जाता है। टिंगफेंग हैरान हुआ कहता है कि मास्टर कहाँ गए। हुईशिन कहता है कि रिंग में एक फॉर्मेशन था और लुओ चेन जीवन को खतरे में डालने वाली सिचुएशन में थी इसलिए फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। सोनियांग टिंगफेंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मास्टर को अपनी पावर के साथ कुछ नहीं होगा। हुईशिन अब उस फाइलेंट डीमन के पास आ जाता है क्योंकि अपने एंसेस्टर हुईसी का बदला लेना चाहता था। वो हुईसी को याद करते हुए कहता है कि आपको इस डीमन की वजह से काफी दुख हुआ। वो उस फाइलेंट डीमन को मारने के लिए अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।